गुड मॉर्निंग क्लास, शुरू करते हैं आज का मैथ का पहला क्वेश्चन। दिया है राजेश की आयु, राजेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष बाद की आयु का 3/5 गुना है। तो ये यहाँ पे मिलेंगे राजेश की वर्तमान आयु, ये मानेंगे वर्तमान आयु राजेश की है x, और ये है 16 वर्ष बाद में प्लस वर्तमान में x, 16 वर्ष बाद x प्लस, ये बराबर है इसका 3/5 का 3/5। सॉल्व देखें 5x x प्लस 48, 48 तरफ आएगा 2x बराबर 48, x आ जाएगा 24। राजेश की वर्तमान उम्र है 24। क्वेश्चन में दिया है राजेश के पुत्र की आयु राजेश का 1/8 है, तो हम करेंगे 24 का 1/8 3। पुत्र की आयु हो जाएगी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है और 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति से 5 गुनी थी, तो यहीं से शुरू करेंगे हम। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से 5 गुनी थी, तो छोटे की एज थी 5 वर्ष पहले x और इनकी थी 5 गुनी 5x। तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में अब पहले से आएंगे वर्तमान बढ़ जाएगा और x प्लस 5। वर्तमान में दोनों की उम्र का अंतर माइनस, तो देखें माइनस करेंगे मिल जाएगा 5x प्लस 5, माइनस से ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस माइनस जाएगा, अब ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4x। x आगे 5। क्वेश्चन में देखें क्या निकालना है आपको, दोनों की आयु निकालेंगे, दोनों की आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु ये है, दूसरे की ये है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 5x प्लस 5, 5 इंटू 5 प्लस 5 25, 5 30। दूसरे की वर्तमान आयु है x प्लस 5, 10। पहले की दूसरे की दोनों का अंतर चेक कर लिया 20 वर्ष, 5 साल बाद ये हो जाएंगे 30। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष पहले मनोज की आयु मनीष की आयु का 1/3 थी, 5 वर्ष पहले मनीष की आयु थी यदि x, मनोज का थी मनीष का 1/3, x का 1/3। इसके बाद दिया है आपको वर्तमान में मनोज की आयु, तो यहां देखें पहले दिया है 17, 5 वर्ष पहले कितना था ये देख लें, 5 साल पहले मनोज 12 था, और 5 साल पहले का हमने क्या माना है x/3, मतलब x/3 बराबर 12, x बराबर जाएगा 36। आपको निकालना है मनीष की वर्तमान आयु, 5 वर्ष पहले था मनीष एक्स का, तो एक्स का बनाया 36, मतलब 5 साल पहले था मनीष 36 का, अब कितने का है, मनीष की वर्तमान आयु 36 में 5 प्लस हो जाएगा 41।
वर्तमान में, ये पांच प्लस कर देंगे। अगला नंबर चार क्वेश्चन में है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है, ठीक है, बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है, मतलब अगर ये बी से एक साल छोटा है तो ये सी से एक साल बड़ा होगा, इस तरह से। तो मान लेते हैं सी की उम्र है यूनेक्स, ए कितना होगा, अब मान लो ये ए है बी से एक साल छोटा, तो ये एक कम हो गया, और जितना छोटा है बी से उतना ही सी से ये बड़ा है, बी से एक साल छोटा तो सी से एक साल बड़ा कर देंगे, सी हो जाएगा एक कम। देखें इनमें कितना अंतर है, एक का, मैंने ए बी से एक छोटा हो गया और ए सी से एक बड़ा है, एक ज्यादा। क्वेश्चन में दिया है बी और सी का योग, बी और सी बराबर दिया है आपको इतना 4x, इतना x बराबर 12, x आधे 12 आपको निकालना है, ए की आयु ए है 2x, एक ही बन जाएगी वर्तमान 24। ओके okay.